नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं नेहा आपके साथ। दिल्ली और हरियाणा के दौरे से लौटने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। इन लोगों को तो आपस में जो कहना है कहने दीजिए, लोग अपना कंपटीशन। बिहार के डिप्टी सीएम अब पटना आ चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर करारा प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्हीं आरोपों के मद्देनजर दावा किया गया कि 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को 2024 में एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवालों पर इन लोगों ने जनता को धोखा दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी दलों की मजबूत एकता का भी दावा किया। टिकट कटा दो ना, किससे मांगे? अमित शाह जी बोले कि वहाँ पर लोग काफी सुविधा हो। भाजपा के लोगों से हम तो कह ना रहे हैं, बोलिए ना भाई, किस एक हम पैसा देते हैं, वो अपना ही टिकट कटा के चले जाए। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एबी न्यूज के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।